जबलपुर के हनुमान ताल थाना क्षेत्र के हड्डी गोदाम इलाके के रहने वाले गोलू अंसारी ने क्षेत्रीय नागरिकों के साथ एसपी कार्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन दिया है, जहां गोलू अंसारी का कहना है कि क्षेत्र में रहने वाले हन्ना फारूक के द्वारा क्षेत्र में दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। जहां हन्ना फारूक के द्वारा उनके भतीजे के साथ मारपीट की गई, जहां हनुमानताल थाना पुलिस को पूरे मामले की शिकायत दी गई, पर पुलिस के द्वारा मामले में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। जहां आज एसपी कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन देते हुए जबलपुर एसपी से मांग की गई है कि पूरे मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर जांच की जाए, जिससे उन्हें इंसाफ मिल सके। वहीं गोलू अंसारी ने बताया कि हन्ना फारूक और उसके साथी क्षेत्र में अनैतिक गतिविधियां संचालित कर रहे हैं, इसके बाद भी पुलिस के द्वारा उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है, जहां कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा मामले में नहीं की जा रही। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। विगत कई दिनों से हम हड्डी गोदाम मैदान का मसला उठाते हुए आए हैं, फिर आज एक घटना घटती वहां पर कि बच्चे अंदर स्कूल भी है वहां पर, जिसमें बच्चे खेलने जाते हैं, जिसमें बहुचर्चित सटोरिया हन्ना फारूक और उसका देशद्रोही बेटा सहजाद, उसके द्वारा बच्चों को मारा जाता है। अगर बच्चों को परिजन बचाने जाते हैं तो उन पर लाठी हमले से हमला कर दिया जाता है। हम जिसका चाहते हैं पुरजोर विरोध किया हमने, लेकिन उल्टा ये होता है हनुमान ताल थाना हमारे पर ही कार्रवाई कर देता है, जिसके संबंध में हम एसपी ऑफिस के साथ अवगत कराने आए थे। हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, जिस तरह मेरे ऊपर भी वहाँ से बांग्लादेशी का आरोप लगाया गया था, उसका भी केस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। और हम यही चाहते हैं कि किसी प्रकार की जानो माल का भी खतरा है। बिल्कुल, वो आए दिन धमकी देते हैं, मैं बम चला दूंगा, उसकी वीडियो भी है, 10 लोगों को जान से मार दूंगा, एक साथ खड़े हो जाओ 10 लोगों पर मैं कुत्ते जैसे, ये अभद्र भाषा का भी उपयोग करता है। और जिसके 8 से 10 घर लोगों के, जो गरीब लोग हैं, उनका पैसा खा के सट्टे का कारोबार संचालित करता था, आज उसके 10 से 12 घर हैं, उसकी भी जाँच की जाए, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सारे लोग परेशान हैं वहाँ पर, उससे अपनी दमंगाई दिखाता है वो वहाँ पर। मोहम्मद साबिर, मेरा नाम मोहम्मद गोलू अंसारी, हड्डी गोदाम आजाद चौक का रहने वाला हूँ मैं। लड़ाई झगड़े के संबंध में ज्ञापन देने आया था एसपी ऑफिस। 22 तारीख को सुबह 11 बजे की घटना है ये। मेरे भांजे भतीजे और भी हमारे मोहल्ले के छोटे बच्चे खेलने मैदान में गए, तो हन्ना फारूक भतीजे की हमारी गर्दन पकड़ के दबा दिया और मार पीट के उनको बाहर निकालने लगा। तो मैंने बोला भाई इतने से बच्चे को मार रहे तो मैं शर्म नहीं आ रही, तो वो गाली गलौज करने लगा। तो मेरे पिताजी वहाँ पे आ गए, तो उनके जो 2 लड़के हैं सजाद अंसारी जो देशद्रोही है और बादशाह, ये लोग रॉड से हमला करने लगे। मेरे पिताजी के हाथ में बहुत गंभीर चोटें आई हैं। उस चीज़ को लेकर मैं थाना हनुमान ताल में गया, रिपोर्ट दर्ज कराया, तो उन्होंने थाने में NCR काट के हम लोग को दे दिया। और जब दूसरे दिन 23 तारीख को हन्ना फारूक अपने बेटे को लेके पहुंचा वहाँ, तो उनकी पक्की रिपोर्ट कर दी गई, वहाँ अपन को न्याय नहीं मिला। तो मैं महोदय श्री SP ऑफिस आया हूँ शिकायत देने। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जिस जगह घटना स्थल पर ये झगड़ा हुआ वहाँ पर 10 से 12 चालू कैमरे लगे हुए हाई क्वालिटी के, तो हम चाहते हैं कि प्रशासन वो कैमरे की फुटेज वीडियो मंगाए और उस पर देखे जाए, जिसकी जो गलती है उस पर उसकी कार्रवाई की जाए। मोहम्मद गोलू अंसारी।